हेलो दोस्तों, स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में। दोस्तों, झारखंड के कडरमा से पहली प्रतिजोगी का चयन केबीसी में हुआ। वो होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने 13 और 14 अगस्त को सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। बता दें कि कोडरमा जिले के गांधी स्कूल रोड निवासी बिजली मिस्त्री उमा शंकर भारती की 21 वर्ष की पुत्री वैष्णवी कुमारी केबीसी सीजन 60 के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ सीट पर बैठकर सवालों का जवाब देते हुए नजर आई। फ्रेंड्स, लोकल 18 से विशेष बातचीत में वैष्णवी ने बताया कि केबीसी में जाने के लिए वो पिछले 3 वर्ष से प्रयास कर रही है। केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने पर वो सोनी लिव ऐप के जरिए केबीसी में जाने के लिए प्रयासरत रहती थी। पिछले 2 वर्ष में उन्होंने अपने सफलता नहीं मिली। इसके बाद वर्ष 2024 में 11 मई को एक IBR कॉल के जरिए वैष्णवी को केबीसी में चयन कर दिया गया। हालांकि इस दौरान फेक कॉल समझा था। इसके बाद जब केबीसी टीम उनके घर पर प्रोमो वीडियो शूट करने पहुंची तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं पड़ा। बताया उनका परिवार कच्चे मकान के रहने वाले है। जब वो 6 वर्ष की थी तभी उनका माता में निधन हो गया। उनके पिता दादाधर भारती, दादी कौशल्या देवी ने उनका पालन पोषण किया। केबीसी में जाने के लिए प्रयास करने के दौरान उन्होंने हमेशा ऐसा लगता था कि झारखंड के लोगों का चयन केबीसी में नहीं है, सिर्फ दिल्ली मुंबई वाले को शहरों को लोग ही इनमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन चयन के बाद उनका एक मिथक गलत साबित हुआ। फ्रेंड्स, चयन के बाद उन्होंने जानकारी मिली कि केबीसी में झारखंड के प्रतिभागियों के लिए 3% रिजर्वेशन की सुविधा भी है। उन्होंने बताया कि केबीसी में 2 बार प्रयास करने के बाद असफलता मिलने पर उन्होंने केबीसी कॉन्टेस्टेड से दूरी बनाने का मौन लिया था, लेकिन उनके बुआ सीता कुमारी और सावित्री देवी आशित दिया। इसके बाद तीसरी प्रयास में उनका चयन हो गया। फ्रेंड्स, बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा शहर के आदर्श विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 2018 में कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर और इंटर आर्ट्स की परीक्षा वर्ष 2020 में CH+2 हाई स्कूल में टॉपर रही। स्नातक 2023 में कर ली है। केबीसी में चयन होने के बाद वैष्णवी ने अपने पिता के साथ पहली बार हवाई जहाज का सफर तय किया। केबीसी की टीम उन्हें रांची से मुंबई फ्लाइट जरिए लेकर पहुंची थी और बेहतरीन होटल में उनके ठहराने व्यवस्था की थी। उन्होंने बताया कि सोनी टीवी पर केबीसी की होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने 13 और 14 अगस्त सवालों का जवाब देते नजर आएंगी। केबीसी शो में कडरमा के बेटी देखने के लिए जिले के लोग काफी उत्साहित है। तो दोस्तों, आप लोग भी तैयारी अवश्य करें। आप लोगों को भी कभी किस्मत का घंटी कब बज जाए आप लोग समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग तैयार करते रहिए और रजिस्ट्रेशन करते रहिए। इस बार 2 मौके दिए और सिर्फ जाने के लिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। यहीं पर एंड करते वीडियो को, मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।